हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी चली हुई है वो कैसा है? बढ़िया है, मैं होप करता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से चला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एरिया और वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल और आयतन कवर कर चुके हैं। हम लोग काफी टॉपिक्स किए हैं इसके। अभी अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक रह गए हैं, कोई प्रॉब्लम्स रह गई हैं, तो वी कैन डू दैट प्रॉब्लम्स। हम उन प्रॉब्लम को करेंगे पर तो ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसा करते हैं कि अब आप जैसा चाहते हो ना कि जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग थ्रू कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को बता देना तो हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे। बाकी अगर बचा हुआ है हमारा तो जो टॉपिक बचे हुए हैं उसमें एक हम लोग देख रहे थे समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है ना, एसएससी जीडी में तो मैक्सिमम बच्चों की ये सोच होती है कि नहीं ये बहुत हार्ड होता है, मुश्किल होता है, तो ठीक है ड्रॉप कर देते हैं उस क्वेश्चन को, क्विट कर देते हैं। तो हम लोग उसी को करते हैं, उसी हिसाब से करते हैं कि आपका जो जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं आसान हमने भी करिए हैं, अब थोड़े थोड़े टिपिकल टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। एसएससी का ही एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ गया होगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा? क्लियर हो गया? ए का कार्य बताया हुआ, ए किसी कार्य को 12 दिन में खत्म करता है। जब भी आप ये काम करते हैं कार्य और समय और कार्य के क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आपको क्लास में याद होगा सिक्स और सेवेंथ क्लास में ये क्वेश्चन होते थे, उसमें मैक्सिमम हम एक दिन की वर्किंग निकाल देते थे क्योंकि एक दिन की वर्किंग के हिसाब से हम जैसे 12 दिन का काम है तो 12 दिन का काम है तो एक दिन में कितना होगा 1/12। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल भी मैं ये बोलता हूं कि मैं 12 दिन में 12 चपातियां खाता हूं तो एक दिन में कितनी खाऊंगा 12/12, सिंपल सी एक चपाती। ठीक है ना, अगर 12 दिन में मैं 6 चपाती खाता हूं तो एक दिन में कितनी खाऊंगा 6/12, यानी जो नंबर ऑफ डेज है उसके साथ हम लोग जो भी है उसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन अलग तरीके का है, इसमें हमें दिन दिए गए हैं, इसमें हम एक दिन की आउटपुट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज, ठीक है ना, वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ठीक है, एक दिन का काम, सिंपल सा क्वेश्चन, एक दिन का काम ये आ गया आपके पास। अगर वो 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, जितना वो काम करता है उसका 1/12, बस सिंपल सा। ठीक है ना, उसके बाद बी 60% अधिक कार्य कुशल है तो बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? अब क्या है वो, इससे अपना 60% अधिक कुशल है तो आप क्या करेंगे, 60% 100+60/100 1/12 × 160/100। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ये आ गया आपके पास 2y 15। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी देखेंगे बी जितने दिन में काम करता है। अगर बी का एक दिन का काम हुआ, ए का एक दिन का काम 1/12 हुआ क्योंकि वो 12 डेज में करता था, अगर बी का ये काम हुआ एक दिन का 2/15 तो बी कितने दिनों में करेगा, बी जितने दिनों में ये काम करता है बराबर 15/2, दैट इज इक्वल टू, डिवाइड करो 7:1/2, 10। ये आपके पास ऑप्शन है बी।
7:1/2 डेज, ठीक है ना। अगर ए एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी उस काम को 7.5 दिनों में पूरा करेगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला सी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आप सिंपली क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल भी मैं ये बोलता हूं कि दो दोस्त मिलके किसी भी काम को ठीक है 15 दिन में खत्म करते हैं और उनमें से एक दोस्त अकेला जो है वो 20 दिन में खत्म करता है, तो नेचुरली ये दोनों का जो काम होगा उसको हम लोग, अगर ए का काम निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी को उसमें से माइनस कर देंगे, नेचुरली है वो ए का काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, एसएससी का स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी, ये याद रखना, यहां पे ये लिखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/15, जितने दिन दिए हुए हैं उससे रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बेसिक बताया था, इस क्वेश्चन में फिर बता रहा हूं, जब भी आपको दिन दे दिए हैं तो फॉर एग्जांपल आप किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 100 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है ना, आप उसका एक दिन का कार्य करेंगे तो आप जितने दिनों में आप उसका कार्य को करते हैं उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। जैसे आप 10 दिन में कोई काम खत्म करते हैं तो एक दिन में कितने दिन का काम होगा, 1/4, उसका 1/10 हिस्सा होगा उस काम का, तो हम क्या कर देते हैं 1/10 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये काम है ना कि दिन, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/15। अब सी का अकेले का, सी अकेले नहीं, सी नहीं सॉरी बी है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन और आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी समथिंग समथिंग करके आएंगे, ये क्वेश्चन आगे बहुत डिटेल में जाएंगे, परंतु आप लोग माइंड सेट कर लो, ठीक है, हमारे दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो सकता है चैप्टर, ठीक है ना, दो लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। इसमें क्वेश्चन एक आएगा, बाकी हम एरिया और उसके कर रहे थे, उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो नो डाउट हम एक दिन में दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे, बाकी अगर आपको लगता है कि एक लेक्चर और बढ़ाना तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे, हाँ, बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में करता, बी का एक दिन का काम नेचुरली 20 दिन में करता, तो 1/20 हो गया उसका। अब बोलता क्या है, ए का एक दिन, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, आप देखो ए का एक दिन का काम, बस ए का एक दिन का काम ठीक है ना। कोई भी चीज आप इसमें सपोजिशन ले लो, घर में एक मकान का काम कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, और एक दिन ए नहीं रहता है, एक दिन क्या ए रहता नहीं है, अगर बी को वही काम करना पड़े तो 20 दिनों में खत्म कर दो तो ए कितने दिनों में करेगा, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम बराबर है जो इन दोनों का काम होगा उसमें से हम क्या करेंगे, बी का एक दिन का काम माइनस कर देंगे, तो वो आ गया ए का एक दिन का काम 15 और 20। हाँ, तो ये आ गया आपके पास, इनका एलसीएम करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 60 आ गया, ये आ गया 20 नहीं, ये आ गया 15 4 60 और 20 60 4 3 ये आ गया 1/60, ये तो आया एक दिन का काम। अब कितने दिन में काम खत्म करेगा, ए इतने दिन में काम समाप्त करता है, भाई उल्टा आ जाता है, सिक्सटी डेज, ये तो काम आया, काम का रेसिप्रोकल करेंगे नंबर ऑफ डेज आ गया, तो दैट इज ए क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उस कार्य में कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। दो दोस्त हैं तपस और मिहिर, ठीक है ना, जिसमें तपस
मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, ठीक है ना, दोनों मिलते हैं और उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो वो तक ये दोनों कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे? अकेले तो तपस अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। आप सिंपल देखो, तपस का तप इसमें हम लोग एक का मान लेते हैं, माना तपस इस कार्य को एक्स दिन में पूरा करता है, पूरा करता है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, जिसकी कार्य कुशलता ज्यादा होगी, जिस वो कम दिन में पूरा करेगा कार्य, ठीक है ना। अगर कार्य कुशलता, मैं थीम पर बोल रहा हूं, कार्य कुशलता डायरेक्ट किसके ऊपर फर्क डालती है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कार्य कुशलता आपकी 2x है तो आप उस काम को कम दिनों में कर लेंगे, कम दिनों में करोगे। अगर आपकी कार्य कुशलता कम है, कार्य कुशलता इसमें कितनी है, x है, तो आप इसको ज्यादा दिनों में पूरी करोगे। मैं अभी इसको आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, ठीक है, एक एक क्या करता है, एक की कार्य कुशलता ज्यादा है, ठीक है ना। यानी कार्य कुशलता ज्यादा मतलब किसी काम को बहुत खास तरीके से कर देता है, उसकी कार्य कुशलता डबल जब हो जाती है तो हम ये करेंगे, जब वो काम समाप्त करेगा तो वो काम कैसे समाप्त करेगा, वो जल्दी समाप्त कर देगा। अगर ये बंदा इस काम को 10 दिनों में कर रहा है और इसकी कार्य कुशलता इससे डबल है तो ये 5 दिनों में कर देगा, बस दैट इज इनडायरेक्टली। मतलब जिसकी कार्य कुशलता ज्यादा है वो कम दिन, और जिसकी कार्य कुशलता ज्यादा है वो ज्यादा, कार्य कुशलता जिसकी कम है वो ज्यादा दिन करेगा, ठीक है ना। तो यही है, माना तपस इस कार्य को एक्स दिन में पूरा करता है, मतलब ज्यादा दिन में पूरा, कम दिन में पूरा करता है। और वो कौन सा है, दूसरा है अपने पास, दूसरा है मिहिर। मिहिर क्योंकि मिहिर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, मिहिर 2x दिनों में पूरा करेगा, समझ आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तपस की कार्य कुशलता ज्यादा है ये कम दिनों में, और इसकी कार्य कुशलता कम है तो ये ज्यादा दिनों में करेगा, बस ये है। अब क्या बोलता है, बोलता तपस अकेला इस कार्य में कितने दिन में पूरा करेगा, तपस बोले तो एक्स, ठीक है। तो करते हैं हम लोग सिंपल क्वेश्चन बना दिया इसका, दोनों का एक दिन का काम, ठीक है ना, 1/x 1/2x, ठीक है ना। और वैसे दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/x + 1/2x इज इक्वल टू, अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो 12 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/12, बस, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसे लेंगे 2x आ गया, इधर आएंगे 2 + 1, ठीक किया ना, हाँ 2 + 1 एज इट इज 1/12, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, ये याद रखना, ये इसका बेसिक है, कार्य कुशलता अगर अच्छी तो दिन कम, कार्य कुशलता अगर हमारे पास काम करने के लिए वही सरकारी कर्मचारी की तरह काम करने वाला बंदा है तो वो काम फाइलें पड़ी रहती है और कई बार काम, ठीक है ना, दिन गुजरते जाते हैं और काम नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज, वो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं किसी को टीच करने के लिए, 2x इज इक्वल टू 1/12, व्हाट इज, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इधर ले गया, 2x इधर चला गया, 12 × 36, x इज इक्वल टू 36/2, दैट इज इक्वल टू 18,
और इसने आई थिंक यही पूछा हुआ है कि तपस कितने दिनों में काम पूरा करता है, तपस अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 80 डेज, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। 18 दिनों में पूरा करता है। और अगर हम लोग बोलेंगे कि मिहिर कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा, अब वो डूबा तो 36 दिनों में पूरा कर देता है, ठीक है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बी काफी इंपोर्टेंट है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 10 दिन कार्य करता है फिर छोड़ देता है, शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। इसमें बोलता है ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम बराबर है एक बटा एक दिन का काम, एक बटा 15 दिन है ना, 18 दिन छोड़े, एक बटा 18 दिन, बी का है 15 दिन का, तो बी का एक दिन का काम आ गया एक बटा 15। अब क्या बोलता है, बोलता ए 18 बी 15 पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, ठीक है ना। बी ने किया इस काम का 10 दिन के लिए किया, 10 दिन के लिए किया मतलब क्या कर दिया इसने, इसका 10th पार्ट कर दिया इसका, ठीक है ना। तो बी का 10 दिन का काम, बी का एक दिन का काम, ये एक दिन का काम, तो 10 दिन का काम कितना आएगा, 1/15 × 10। अगर एक दिन का काम 1/15 तो 10 दिन का काम क्या होगा, 1/15 × 10, ठीक है। 5 × 10, 5 × 3 = 15, ये आएगा 2/3। ये तो आया बी का काम, बच कितना गया शेष काम। अगर एक काम में से 2/3 हिस्सा ये कर लेता है तो बाकी कितना काम बच जाएगा, 1 − 2/3, टोटल काम तो 1 ही है, ठीक है ना, 1 − 2/3 दैट इज इक्वल टू 3, एलसीएम आ गया 3 − 2/3 1/3 1/3। अब क्या बोल रहा है, अब ए ने ही काम करना है, ठीक है ना, 1/3 काम जो है वो ए करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो शेष काम है ना ये ए करेगा, ये ए करेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या जाता है, ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य दैट इज इक्वल टू 1/3, 1/3 यानी 3 दिनों में, अभी इसके हिसाब से 3 दिन का काम है ये, ठीक है ना। परंतु हम लोग करेंगे कैसे, बोलता अगर ए कितने दिनों में करता था, एक दिन का काम कितना था 1/18, तो अगर हम लोग करते हैं 1/18 दिनों में किया गया ए द्वारा किया गया कार्य, 1/18 दिनों, ये एक 1/18 ए का एक दिन का काम, 1/18 काम, 1/18 हिस्सा है, 1/18 काम को, 1/18 काम को एक कितने दिनों में करता है, ए करता है 1/18 काम को ए करता है एक दिन में, ठीक है, ठीक है ना। तो 1/13 काम को कितने दिनों में करेगा, ये आ जाएगा एक काम को कितने दिनों में करेगा, 1 × 1/18 ये आ जाएगा 18/1, और 1/13 काम को कितने दिनों में करेगा, 18/1 × 1/3 1/3 तो 3 × 6 = 18, 6 दिन में करेगा ये। यहां पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आप लोगों को, ये कौन सा काम है, 1/18 काम है, किसी एक दिन में किया गया कार्य, 1/18 हिस्सा जो काम का है
वो एक कितने दिनों में करता है, एक दिन में। अब होता शेष कार्य कितना है हमारे पास, एक बटा तीन, परंतु हम क्या करते हैं एक काम को यही चीज कितने दिनों में करेगी, 1:1/18। यहां पे पजलिंग अगर आपको लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूं। जैसे बोल रहा है ना, ये दिन नहीं है, ये हिस्सा है काम का। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आप ये कर देते ना एक दिन का काम, इसका मतलब ये काम है ना कि दिन, ये दिनों को आपने काम में बदला। कैसे करते हैं आप लोग, उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है ना। तो यहां पे मैं कर रहा हूं 1/18 हिस्सा काम का, 1/18 हिस्सा काम का कितने दिनों में करता है वो, एक करता है, कितने दिन का करता है, एक दिन। यही स्टेटमेंट को उल्टा करके लिख दिया, 1/18 हिस्सा जितने दिनों में करता है बराबर है एक दिन में, और एक काम को कितने दिनों में करेगा, 1/18। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल को हम लोग ऊपर ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18/1, एक के साथ गुणा करके 18/1। अब काम कितना बचा था, 1/3, तो हम क्या करेंगे 18/1 × 1/3, तब आया आपका 6 days। दैट इज क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अब शुरू हो जाएगा आपका थोड़ा सा, ठीक है ना, माइंडसेट को थोड़ा सा बढ़ाने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, एक कार्य का भाग 1/2 5 दिन में करता है, और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले ये दिन निकालने हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में जैसे दिया गया है इसके दिन निकालने हैं, यानी किसी काम का 1/2 भाग सोचने की बात है। अगर एक किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना, ए द्वारा एक भाग जितने दिनों में किया जाएगा, यानी ए द्वारा 1/2 भाग जितने दिनों में करता है 5 दिन, तो ए द्वारा एक भाग कितने दिनों में करेगा, 5 × 2/1 10 दिन में। सिंपल सी बात है, समझने की बात है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मीन, मेरे को बोल दिया आपने एक किताब पढ़नी है, मैं आधी किताब 5 दिन में खत्म करता हूं, ये जो किताब है ना मैथ की, मैं आधी किताब को 5 दिन में पढ़ लेता हूं, तो पूरी किताब को कितने दिनों में पढ़ूंगा, 10 दिन में। नेचुरल सी बात है कि इसका डबल होगा, आधा भाग गया तो इसका डबल। ऐसे ही आपने हर किसी के क्वेश्चन में करना, अगर ए 1/2 भाग को 5 दिन में, तो ए द्वारा एक भाग कितने में होगा, 5 × 2/2 10 दिन में। बी द्वारा एक भाग कितने दिनों में होगा, ये है 3/5 ना, तो ये कर देंगे 9 दिन में खत्म करता है, 9 × 5/3 15 दिन में। जैसे मैंने पहला पार्ट किया वैसे ही है, ये 3/5 भाग को 9 दिनों में, तो 5 × 3 इसको करेगा तो 5 × 2/1, और इसको करना है तो सी द्वारा एक भाग को कितने दिन में करेगा, तो ये कितना दिन आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 8 × 3/2, ये आ गया आपके पास 2 × 8 चाहते हैं 12 दिन। अब ए द्वारा एक काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी उस काम को 15 दिन में खत्म करता है, सी उस काम को 12 दिन में खत्म करता है। पहले देखो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर है 1/10, बी द्वारा किया गया एक दिन का काम 1/15, सी द्वारा एक दिन का काम 1/12, तीनों मिलकर काम करते हैं A+B+C कितने दिनों में करेंगे, 1/10 + 1/15 + 1/12 ऐसे लोग इसका, ठीक है ना, ऐसे कितना आ जाता है 10 × 15 = 20 का ऐसे 2 × 5 = 15 = 10 5 × 1 = 3 = 2 5 × 10 = 6 60 आ गया इसका, 60
और 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, 6 4 10 15, 15 बटा 60, 15 के 15 15 चुके 60, तो ये हुआ 1/4 काम। परंतु अब एक दिन में A प्लस बी प्लस सी जितने दिनों में काम समाप्त करते हैं, जितने दिनों में समाप्त करते हैं, ये तो काम आया, तो ये आ गया 4/1, यानी 4 दिन आंसर आ गया, 4 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन था आपके पास, यस ये है बी ऑप्शन, ठीक है ना, क्वेश्चन आप देख रहे हैं बी ऑप्शन है इसमें, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस यही करना पड़ता है, सबसे पहले आपने डेज निकालने हैं, ये जो डेज निकाले हमने इस पार्टीशन का यूज करके, उसके बाद क्या करेंगे, अगर तीनों का इकट्ठा काम लिया होगा तो इनके एक दिन के काम को हम क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे जो आएगा दैट इज द टोटल वर्क डन बाय द 3 ए बी सी का कुल काम किया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये काफी क्वेश्चन हो गए हैं, अगर और भी क्वेश्चन करने हैं हम लोग करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे, 2 या 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर सकते हैं इसको, मैं तो 2 लेक्चर में कंप्लीट करना चाहता था, परंतु अगर क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लगेंगे तो हम 3 लेक्चर भी लगा सकते हैं, बाकी आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग ये कीजिए लाइक, ठीक है ना, आप हमें कमेंट में जरूर डालिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी आपके एंड से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।